तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड को हम लोग दो नामों से जान सकते हैं, या तो गति गति या तो हम लोग तेजी। क्या तेजी? इसलिए हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में तेज भागना, तेज करना, तेज कर, ये सब हम लोग क्या करते हैं स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्पीड मतलब आप बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हो कि तेज तुम्हारे सर हर एक चीज़ का काम तेजी से करते हैं, वो एक स्पीड में करते हैं, तो उसी को स्पीड को हम लोग मेजर किस में कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो बना कैसे मीटर पर सेकंड? ये ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, किलोमीटर, और टाइम के लिए होता है हावर या तो सेकेंड्स। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मीटर में सेकेंड्स का यूज करते हो, तो किलोमीटर पर सेकेंड हावर हो सकता है इसमें हम लोग उसका यूनिट। तो हम लोग जब स्पीड, अभी स्पीड एक्चुअली में क्या है, कैसे मेजर? एक गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, मतलब कि अगर महाराष्ट्र से समझ लीजिए गुजरात चले गए, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो वो कितने दिन, वो तो फर्स्ट हम लोगों को पता चलना चाहिए कि टाइम कितना लगा प्लस उसमें डिस्टेंस कितना लगा, तब हम लोग डिस्टेंस पता करेंगे, तब उसके बाद हम लोग स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी होती है, 110, 120 ऐसे स्पीड होती है ट्रेन की। तो वो तो हम लोग ऐसे ही पता करते हैं फॉर्मूले से कि स्पीड होता कितना है। तो वैसे ही आप बोल सकते हैं कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। तो वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है, फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत है, वंदे भारत जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर एक एक घंटे में कितना जाता है, अगर नहीं रुकी तो 180 किलोमीटर। तो ये उसकी स्पीड हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर।